तो बड़ी खबर नालंदा जिले के सोहराय थाना क्षेत्र के हबीबपुरा मोहल्ले से आ रही है, जहां पुरानी रंजिश में बेकाब बदमाशों ने एक व्यक्ति की गोली मारकर जख्मी कर दिया है। और घटना के बारे में परिजन ने बताया है कि हबीबपुरा निवासी दुर्लभ कुमार घर से बाहर नदी की ओर निकला था, तभी बदमाशों ने गोली मारकर उसे जख्मी कर दिया। घटना के बाद परिजन ने इलाके के लिए स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। और बताया जाता है कि मोहल्ले के ही मिथिलेश पासवान द्वारा गोली मारी गई है। क्या बोला था? मिथिलेश पासवान बोला कि मार देंगे आपको पता। तो दादी की लहर था, वो आप आके घर पर बोला तो फिर लगले आ गया मारने के लिए सबके। तो सबके मारे थे, सब दिए थाना दिए, तो कंप्लेन लिखाया। फिर कंप्लेन के कोई फाइल नहीं हुआ। आज क्या हुआ? अभी थोड़ी देर पहले सूचना मिली थी कि सोसराय थाना अंतर्गत हबीबपुरा के दिवाकर जो उदय पासवान के पुत्र हैं, उनके पैर में गोली लगी है। तो हम लोगों ने जहां उनका इलाज चल रहा था वहां जाकर उनसे पूछताछ की है। उनके द्वारा बताया गया कि जब वो नदी किनारे शौच के लिए गए थे और बैठे थे, उसी क्रम में किसी ने गोली चलाया जो उनकी जांघ में लग गई, जिसे प्रथम उन्होंने सदर अस्पताल में दिखाया, वहां से बैंडेज कर दिया गया। अभी वो निजी क्लिनिक में अपना इलाज करा रहे हैं।